कि बिना जांच के बुलडोजर चलाने वाले हर घड़ी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने वाले, बिना जांच के बुलडोजर चलाने वाले हर घड़ी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने वाले, कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने सपा को बदनाम करने की, कि आप माफी मांगेंगे झूठा आरोप लगाने वाले। किस तरह हमलावर हुए थे, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, आज मीडिया को जाकर उनसे पूछना चाहिए कि अब आप क्या कहेंगे इस पे। मंगेश यादव मामले में भी इनडायरेक्ट यादवों को विलेन बनाने के लिए किया गया, फिर उसकी लीपापोती में एक जो है ठाकुर भाई की बलि दी गई। तो अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इनके मंसूबे इसी तरीके से बढ़े रहेंगे। तो अब रिटर्न का टाइम है कि जिन नेताओं ने जैसे संजय निषाद जी जाके वहां पर रोए, अब उनको फिर से मोहित खान के दुख के लिए भी रोना चाहिए कि बेचारा हमारी सरकार में एक जो है जिसकी गलती नहीं थी वो भी पिस गया, इनको जाके वहां रोना चाहिए। तो आप देख रहे काकोरी दंगल, और आज बात होगी अयोध्या को लेकर। अयोध्या में मोहन खान जब से डीएनए मैच नहीं किया है तब से सियासी पारा कहीं ना कहीं बढ़ गया है, लेकिन अब उनका डीएनए मैच नहीं किया है, अब बात करने का प्रयास करेंगे। चंद प्रकाश हमारे बीच में है, क्या कहना चाहेंगे, मोहन खान का डीएनए मैच नहीं किया गया है? वह उसके लिए मैं एक लाइन से अपनी शुरुआत करूंगा कि बिना जांच के बुलडोजर चलाने वाले हर घड़ी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने वाले, बिना जांच के बुलडोजर चलाने वाले हर घड़ी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने वाले, कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने सपा को बदनाम करने की, क्या अब माफी मांगेंगे झूठा आरोप लगाने वाले? मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहिए कि पार्टी के लोगों को इनके ऊपर मानहानि का केस कर दें। क्या है तरीका, ना कोई जाँच हुई ना पड़ताल हुई, आनंद फानन में बुलडोजर चला दिया और पूरा टीवी पर माहौल बना दिया कि भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन मत जाइए, ये मुस्लिम नेता इस तरह के हैं। आज बताइए कौन सा चैनल माफी मांग रहा है और कौन से भाजपा के नेता आगे आके कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। अब आप बताइए कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जब लग रहा है कि पूरे प्रदेश में किसी तरह जनता हम में कोई विश्वास नहीं रख रही है, तो कहीं फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं यादवों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, कहीं गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, और आप ये जो जांच चाहिए इसने बता दिया है कि ये सरकार डर का माहौल बना के रखेगी। लोगों से हमारी बातचीत इस मुद्दे को लेकर, लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमान था इसलिए अनफन कार्रवाई हो गई है। देखिए मुसलमान को टारगेट करके वो इनडायरेक्ट ऐसे समाजवादी पार्टी को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगा जो प्रदेश की जनता है उनको अब ये सोचना है कि हमने किसको जो है शासन में बिठा रखा है, जो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए किसी के अब घर तोड़ देंगे, किसी को मतलब जेल में डाल देंगे, किसी को इनकाउंटर कर देंगे। तो ये डर की बातें हैं कि कल का मान लीजिए एक सामान्य आदमी को किसी केस में फंसाने से उनकी राजनीति चमक रही है तो कल वो सामान्य सा आदमी बहुत बड़ा अपराधी बताकर प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर इनाम रखा जाएगा, परसों मार दिया जाएगा। तो बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखिए बीजेपी को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, जो लोकसभा के परिणाम है वहां से इनका पूरे तरीके से जो माथा है वो बौरा चुका है कि जो रिजल्ट जनता ने दिया है वो उन्होंने इनकी राजनीति को अब नकार दिया है। अब ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा अचानक से ले आए कि जनता फिर से हमारा नाम जपने लगे। आप उसी श्रृंखला में देखिए कि पहले फलों की दुकान पर नाम लिखिए, फिर जो है कहा हिंदू जो है बटेंगे कटेंगे, फिर अभी देखिए एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वो दुकान पर जाके नाम लिखने कह रहे। इनकी राजनीति जनता समझ गई है कि बस इतने भर की है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराओ और जनता को ना विकास दो ना महंगाई बेरोजगारी पर राहत दो, बस इसी तरीके से ज्यादा दिन तक अब ये मूर्ख बना नहीं पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब वो डीएनए का मैच नहीं हुआ है तो अभी लोग लगातार कह रहे हैं कि क्या मतलब उन पर जो उनकी मतलब उनके संपत्ति को क्षति हुई है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, क्या उन अधिकारियों पर भी सजा सरकार को देना चाहिए जिन्होंने उनको मतलब एक प्रकार से दोषी ठहरा दिया है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये संविधान की इज्जत करते हैं और न्यायालय में विश्वास रखते हैं तो अब रिटर्न का टाइम है कि जिन नेताओं ने जैसे संजय निषाद जी जाके वहाँ पर रोए, अब उनको फिर से मोहित खान के दुख के लिए भी रोना चाहिए कि बेचारा हमारी सरकार में एक जो है जिसकी गलती नहीं थी वो भी पिस गया, इनको जाके वहाँ रोना चाहिए। तो लोगों को आप चाहिए इधर से कि जो है मानहानि का केस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के एक्शन नहीं लेंगे तो ये आपको देखिए गोमती नगर में भी यादव मुसलमान बदनाम करने की कोशिश करी गई, मंगेश यादव मामले में भी इनडायरेक्ट यादवों को विलेन बनाने के लिए किया गया, फिर उसकी लीपापोती में एक जो है ठाकुर भाई की बलि दी गई। तो अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इनके मंसूबे इसी तरीके से बढ़े रहेंगे। मोहन खान गिरफ्तार हुआ था उस दिन अखिलेश यादव ने कहा था उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए,
मांग की थी। तब चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, लगातार ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की मानसिकता इतनी गिर गई है कि एक रेपिस्ट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही बता रहा हूँ कि ये सवाल आज मीडिया को उनसे करने चाहिए, और मीडिया से क्या, मीडिया को क्या, मीडिया के बहुत बड़े हिस्से से ये खुद पूछना चाहिए कि क्यों इतने बड़े जज बन जाते हो उसी सेम दिन पूरे एक तरीके से। ये है, ये पहले से इतने बड़े वो थे, क्रिमिनल थे, इस तरह के जजमेंट आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है संविधान को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन आपके जो कार्य करने का तरीका है वही तो बता रहा है कि संविधान खत्म हो रहा है। अब आप बताइए कि उस दिन अगर अखिलेश यादव जी ने यह बात कही तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा होगा कि अगर जांच है, एक नियम है, उसके पालन कर, उसको पालन करके जाएंगे तो दोबारा आपको जो है मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। उस दिन उनको क्रिटिसाइज किया गया, आज उन ट्वीट्स को, उन जो आरोप मायावती जी ने या किसी ने भी लगाया, उनको निकाल कर लाना चाहिए और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि आप उस दिन इतनी जल्दबाजी आपने क्यों कर दी। आपको भी इंतजार करना चाहिए था कि कम से कम जांच की रिपोर्ट तो आ जाए। राजभर जी ये बात कह रहे थे कि जब किसी मुसलमान और यादव पर अत्याचार होता है अखिलेश यादव को दर्द बहुत होता है। देखिए राजभर जी जो सुबह कहते हैं वो शाम को खुद ही भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा तो वो नीतीश चाचा फालतू में बदनाम है, उससे ज़्यादा जो है पलटू राजभर जी हैं। ठीक है, आज जाकर कुछ पूछिए तो उनको या तो याद ना आने का नाटक करेंगे या कहेंगे हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो वो तो सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि जिससे कि भाजपा खुश रहे और इनकी दाल रोटी चलती रहे, उनका काम ये। आप उनके बयानों को इतना अगर आप सीरियस ले रहे हैं तो इसका मतलब आप पत्रकारिता की समझ कम रखते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, अब जो अयोध्या की जो रिपोर्ट आई नेगेटिव, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, नेगेटिव आई है, इससे क्या उपचुनाव में अयोध्या के मिल्की पर उपचुनाव कुछ पड़ने वाला है? देखिए जनता अयोध्या की पहले ही जान गई है कि ये लोग ना तो धार्मिक हैं या धर्म के ठेकेदार जरूर हैं। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के को 4 बिस्वा जमीन के मैटर में फंसाने की कोशिश करी गई। अब वहां से समझिए कि भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, लोग सोनम वांगचुक लगातार धरना देते रहे, वहां पर कोई मीडिया के बड़े बड़े चैनल नहीं गए, लेकिन एक 4 बिस्वे जमीन के मामले में पूरी मीडिया उतराई, तो आप समझ लीजिए कि इस समय नीचता की हद क्या है। अब रह गई है जनता समझ रही है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए मतलब जो मान के चले मानवता इंसानियत की सारी हदें पार कर जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो हंसने वाली बात है, हास्यपद बात, वो ये है कि ये कहते हैं कि हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो खुद इतना अधर्म कर रहे हैं उनका ये कहना कि हम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो यही जनता ने अब समझ लिया है कि अब ज्यादा दिन तक आप ये झूठे प्रचार के दम पर, झूठी मीडिया के दम पर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसको लेकर जब उनके नौकर से सवाल किया था, उसका नौकर चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा था कि उसमें मालिक का कोई दोष नहीं है, तो उस वक्त प्रशासन ने उनकी बात पर, उनके नौकर की बात को क्यों नहीं माना, क्या इसके पीछे वजह रही होगी? देखिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर एक जानवर मर रहा है और उसको उसके मरने के बाद गिद्ध को फायदा है, तो गिद्ध क्या चाहता है? कोई भी अच्छा डॉक्टर ना आए, भगवान करे ये मर जाए। ठीक है, अब नौकर को फंसाने से इनका तो उल्लू सीधा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि मालिक को ही फंसाया जाए। अब हालत ये है कि इनके इस समय सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, ये थोड़े दिन फंसा ले जाते हैं लेकिन रिजल्ट इनको इतना बुरी तरीके से फंसा रहा है। आज जाके मीडिया वाले अगर किसी का इंटरव्यू लेना चाहे, भाजपा के जो भी नेताओं ने उस समय आके आगे बहन बेटियों के ये बलात्कारी वो बलात्कारी, आज ये कहेंगे बहुत जल्दी में जा रहे हैं, समय नहीं है। आप चाहे जो भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, जो भी ये चल रहे हैं उसमें उल्टा फंसते जा रहे हैं। कोई भी आप मुद्दा उठा के लीजिए, बस कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था। आनन फानन में कार्रवाई नहीं, इनके मन में है कि 10 साल से हम हिंदू मुस्लिम की हांडी पका रहे हैं, विकास पे बात करेंगे तो मेरे विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी, महंगाई पर बात करेंगे तो लोग 200 साल हमें आने नहीं देंगे, शिक्षा पर बात करेंगे तो यही याद आएगा कि कोई पेपर ढंग से करा पाए कि सब लीक ही हो गए, क्या बचा लौट फिर के, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बचा, उसी को ऐसे चिराग को ऐसे रगड़ रहे हैं कि कहीं से कुछ लग जाए, और उसमें बाद में पता चलता है कि रगड़ते हैं थोड़ी लव इनकी तरफ जाती है लेकिन बाद में जो आग खड़ी होती है पूरी पार्टी जली जा रही। आज कोई भी नेता इस मतलब स्थिति में नहीं है कि खुल के 10 मिनट मोहित खान वाले मामले पर बात कर पाए, और ना वो ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भले ही आकर कह दें कि हाँ हमारी पार्टी जो है इस समय बहुत दोगली राजनीति कर रही है, बाकी तो वो कहेंगे अरे हमको पूरा पता नहीं है, आप देखिएगा शाम तक क्या क्या आ रहे हैं। समझ रहे हैं, यानी नौकर उनका चिल्ला चिल्ला के कह रहा था
सिर्फ उसको फंसाने के लिए, उसको आगे टारगेट करने के लिए सब चीजों पर कार्रवाई की। ये पूरे प्रदेश के आम लोगों के लिए डरने वाली बात है कि ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको भी खतरे में डाल सकती है। अब जब मोहित खान इतना अगर मजबूत नेता टाइप के लोग अगर जेल जा रहे हैं तो आम आदमी की क्या औकात है। अनु सिंह पर एक मुकदमा था और आज ना जाने कितने बड़े बड़े मुकदमे वाले माननीय सांसद और विधायक बने घूम रहे। उस बेचारे की बलि की बकरी सिर्फ इसलिए दी गई ताकि जातिवाद का आरोप से बचा जा सके। ये पूरे प्रदेश के लिए डरने और चिंता करने की बात है कि सरकार में इस समय वो लोग बैठे हैं कि घर जलाने से कुर्सी बचती है तो एक नहीं दसियों ने हजारों जला दिए। ठीक है, हमारे भी चंद्र प्रकाश जी।